प्रजापिता ब्रह्मा है या नहीं है? पहला ब्रह्मा कौन है जिसके द्वारा ज्ञान मिला? जगदम्बा भी ब्रह्मा है, लेकिन उनके द्वारा सुनने सुनाने का भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ा है या ज्ञान का फाउंडेशन पड़ा है? यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कारों का अर्थ सुनाया गया, वो अर्थ तो प्रजापिता के द्वारा सुनाया गया, लेकिन साक्षात्कारों को ज्यों का त्यों वर्णन सुनने सुनाने का कार्य किसने किया? वो माता ने किया। तो सुनने सुनाना वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है ना, इसलिए भक्ति में दम नहीं होती। और ज्ञान में, ज्ञान को बल कहा जाता है, तो पावर होती है। चंडा मारत बोलते ना, ज्ञान में कैसा आता है? चंडा मारत बोलते ना वो सब बार में दुनिया वाले सब तूफान ज्ञान में कैसे आता है? तूफान कैसे आता है? संकल्पों के तूफान तुमको नहीं आते हैं? बस वही तूफान है, वो स्थूल तूफान है स्थूल दुनिया के, और ये है सूक्ष्म तूफान। जैसे वो तूफान आंध्र प्रदेश में बहुत आते हैं, यहाँ भी जो ज्ञान की अंधी आत्मा है उनको तूफान बहुत आएंगे। जिनके अंदर ज्ञान होगा वो ज्ञान से मुकाबला कर लेंगे, उनके उनके ऊपर असर नहीं होगा तूफान का, माया के तूफान का कैच कर लेंगे। ये बात ऐसे रावण का आत्मलिंग दिखाता है ना, है आत्मलिंग दिखाता है। हाँ जी, वो क्या है रावण का आत्मलिंग दिखाते है? वो आत्मलिंग लेकर वो क्या है वो ज्ञान चारों ओर फिर रहा था। ओ तो ये हाथ जो है बुद्धि की यादगार है, ये बुद्धि जो है उस बुद्धि में उसने शिव को याद किया। रावण भी किसको याद करता था? वो भी तो शिव को याद करता था, शिव को याद करता था, और दूसरी तरफ देवियों की भी पूजा करता था। देवियों की पूजा करता रहा इसलिए व्यभिचारी हो गया। एक को याद करता रहता तो अब व्यभिचारी होता, वो भी देवता बन जाता, उसको भी जीवन मुक्ति मिलती, लेकिन वो देवियों में भी बुद्धि जाती थी। इसलिए मुरली में बोला हुआ देवियों के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। याद किसको करना है? एक को करना है या अनेकों को याद करना है? एक को याद करना है। अब भगवान स्त्री रूप में तो होता ही नहीं, भगवान अगर स्त्री रूप में आएगा तो सारे ही उसका संग का रंग लेंगे तो चलेगा नहीं? स्त्रियां तो अगर व्यभिचारिणी बनती हैं, अनेकों का संग करेंगी तो प्रदूषण बढ़ता है संसार में, तो भगवान स्त्री का रूप धारण करके नहीं आता, वो पुरुष का रूप धारण करके आता है। और गणेश जी का गणेश जी कौन से युग में पूजे जाते हैं? कलयुग में, द्वापर युग में तो पूजा नहीं होती। कलयुग में आके जब ज्यादा देवान बढ़ जाता है तो नाक लंबी दिखाई गई गणेश जी के, उसी समय हनुमान की भी पूजा दिखाई जाती है, उनकी पूछ लंबी दिखाई गई, माने उनमें काम विकार ज्यादा होता है, उनमें अहंकार देह का अहंकार ज्यादा होता है। ये कलयुग की देवताएं हैं, माना जानवरियत वाली देवताएं हैं। जो रामकृष्ण वाली आत्माएं हैं वही जब कलयुग शुरू होता है तो हिंसा के कार्यों में विदेशियों से भी आगे बढ़ जाती है, हिंसक बन जाती है, तो वो जानवर पूजा होती है। जानवर क्या करता है? अहिंसक होता है या अहिंसा करता है? इसलिए वो रूप दिखाया गया। पूजा होती है तो जरूर उन्होंने कुछ पवित्रता भी धारण की होगी, जो थोड़ी बहुत पवित्रता धारण की है इसलिए पूजा होती है। जैसे महाकाली की भी पूजा होती है, जरूर महाकाली ने भी कुछ ना कुछ विशेष पवित्रता को धारण किया है बाप के साथ रह करके।
पहले ही कौन सा स्थापन करना है था कलयुग में, गणपति को पूजा करते हैं ना, पहले ही पूजा करना गणपति है उसका। हाँ, यज्ञ क्या यज्ञ की जब आदि हुई है तो यज्ञ की आदि में शुरुआत काम की शुरुआत किससे हुई? ब्रह्मा और गणेश का रूप बनता है, राम वाली आत्मा हनुमान का रूप बनती है, दिखाया गया है। कोई हनुमान बंदर बनते थोड़े ही है, बंदर जैसा स्वभाव संस्कार बनता है। उससे दूसरा फायदा ये होता है कि मनन चिंतन मंथन खूब चलता है, जितना दूसरों को सुनाएंगे समझाएंगे दूसरों को पावर देंगे उतना हमारा मनन चिंतन मंथन ज़्यादा चलेगा। हमारा मंथन ज़्यादा चलेगा तो नई नई बातें ज्ञान में निकलेंगी, हमारी खुशी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, खुशी भी बढ़ेगी और अनेक जन्मों के राज भी खुलेंगे अंदर अंदर। अनेक जन्मों के राज खुलेंगे तो आत्मा भरपूर हो जाएगी, अव्वल नंबर में आएगी। फिर जो जितना कम मनन चिंतन मंथन करता है उतना ही नंबर पीछे लेता है माला में, और जितना जास्ती मनन चिंतन मंथन करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। अभी एक ध्यान बोले तो अभी छोटा है तो अभी इतना ध्यान है क्या ध्यान लेता है बोलते हैं। अभी ज्ञान बोले तो अभी तो छोटा है, ज्ञान क्यों लेता है तो अभी जरा जाने दो बोलते हैं। अभी एक ज्ञान बोले तो इनकी बात आप अपनी भाषा में बोलिए ताकि सब लोग समझे आप क्या पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि किसी दूसरे को अब समझाएंगे तो वो बोल देंगे कि ये छोटा ज्ञान है हमारा ही बड़ा है। कैसे ऐसे बोल रहे हैं? वैसे नहीं बाबा, हम बोल रहे हैं ना, अब बोले तो अभी छोटा है, अभी तो बहुत तो साल हुए बाद तो ज्ञान ले सकते हैं। आपका छोटा ये है, उम्र कम है, उम्र कम है, बाल काले हैं, अभी बाल सफेद नहीं हुए हैं, तुमने दुनिया को देखा नहीं है, बुढ़ा हुआ बाद ज्ञान तुम्हारे अंदर थोड़ा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान मत बघारो। हमने दुनिया देखी है, हम ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए तुम ज्यादा हमको सुनाने की कोशिश मत करो, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं। उनको अहंकार आता है अपने पुरानेपन का, ओल्ड एज का उनको अहंकार आ जाता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान लिया है वो दुनिया वालों से लिया है, और हम किससे ले रहे हैं? हम ईश्वर से ज्ञान ले रहे हैं, ये इस बात का उनको पता नहीं है। इसलिए हम जो भी समझाएं दुनिया भर की बातों की तिक तिक न करें, पहले उनकी बुद्धि में बाप का ही परिचय बैठा है। जब बाप का परिचय उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा तो फिर ज्यादा तिक तिक नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं, वो तो बोलेंगे ना, अभी बोले तो हम वैसे बोलते हैं। हाँ, वो बोले, हम जानते हैं कि तो फालतू बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने दुनिया भी लोगों से ही ज्ञान सुना हुआ है, शास्त्रों का ज्ञान सुना हुआ है, और हमें तो डायरेक्ट भगवान ईश्वर ज्ञान दे रहा है। कहाँ ईश्वरीय ज्ञान, कहाँ मनुष्य का ज्ञान? मनुष्य तो जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है, मनुष्य आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आती है, बंध जाती है, देह के बंधन में बंध जाती है। हम तो उससे ज्ञान सुना है जो देह के बंधन में कभी आता ही नहीं, बंधता ही नहीं, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, तो उसमें तो पूरे चक्र का ज्ञान है, अनेक जन्मों का ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। तो डायरेक्ट भगवान से ज्ञान ले रहे हैं। बाबा दिल्ली में बताया बीके वाले सेंटर में सीढ़ी का चित्र होते हैं ना, उसके ऊपर लिखो विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विजयते, विपरीत बुद्धि विजयते, लिखो कहा है। और नीचे लिखो कैसे आएंगे, और नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, तो लिखवा तो दिया है नए चित्रों में, वहाँ बीके सेंटर में नए चित्र आए नहीं अभी इधर,
सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का त्रिमूर्ति का बड़े बड़े चित्र 30x40 इंच के यहाँ नहीं आए अभी, भट्टी में जा रहे हैं ना, अभी बोले हैं बाबा लाने। हाँ जी, तो उनका सेंटर में केस लिखना है, वो तो उन चित्र को मानते ही नहीं, वो कहते वो तो चित्र ही उन्होंने खत्म कर दिए, वो चित्र ही उन्होंने खत्म कर दिए। वो तो नए चित्र बनाए हुए अपने तरीके से, मरम्मत चित्र बनाए हुए हैं, वो बाबा के द्वारा जो चित्र बनवाए गए वो तो उन्होंने खलास कर दिए, मानते ही नहीं वो त्रिमूर्ति चित्र है। धर्म बाबा एक ही सत्य है का, उसमें शिव बाबा प्रवेश हुआ है, वो नहीं देखने भी नहीं देखते, वो शिव बाबा की बात ही नहीं उनका, उन देखते है ओनली हाँ ब्रह्म बाबा कितना मेहनत पड़ता है कहते हैं। लौकिक वाले समझाते हैं ना, 63 जन्मों में जिन आत्माओं का जिस आत्मा के साथ ज्यादा कनेक्शन रहा है वो उन्हीं को सपोर्ट करेगी, जो कृष्ण की आत्मा के साथ ज्यादा जन्म लेते रहे हैं वो कृष्ण को ही सपोर्ट करेंगे, जो राम के साथ जन्म लेते रहे हैं वो राम को सपोर्ट करेंगे। इसलिए मुरली बोला राम और कृष्ण के भक्तों में आपस में झगड़ा हो जाता है, उनमें भी बायर की दुनिया में ऐसा होता है, बाहर दुनिया में भी ऐसे होता है, ब्राह्मण की दुनिया में भी ऐसे हो रहा है, इसलिए बाहर की दुनिया में हो रहा है, ब्राह्मण की दुनिया में शूटिंग ना हो तो बाहर की दुनिया में भी नहीं होगा। लेकिन धर्म तो एक ही है ना, धर्म एक कहाँ है, राम कृष्ण दोनों भी एक दिन सनातन धर्म में आते हैं। हाँ सनातन धर्म में तो स्थापन करते हैं, लेकिन वो जिस जहाँ तक पहुँचते हैं वो सिर्फ राधा कृष्ण जैसे जो बच्चे हैं वो देवताओं से लेते हैं या भगवान से लेते हैं, राधा कृष्ण जैसे बच्चे जो जन्म लेंगे तो वो राजा ही किससे लेंगे, देवताओं से ही तो लेंगे, अपने माँ बाप से ही तो लेंगे, और हम किससे लेते हैं, हम भगवान से लेते हैं, तो अलग अलग बात नहीं हो जाएगी, असल सनातनी कौन हुआ, जो भगवान से ले, 84 जन्म तो लेंगे लेकिन उनके कई वर्ष कम हो जाएंगे, कृष्ण की सोल के ही 50 वर्ष कम हो जाते हैं सृष्टि रूपी चक्र में, तो जो कृष्ण के बाद जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी उनके तो और ही ज्यादा जन्म और 84 जन्म होंगे लेकिन वर्ष कम हो जाएंगे पूरे चक्र में से। अभी ब्रह्मा वाली सोल है, कृष्ण वाली सोल है, 69 में शरीर छोड़ा ना, तो 2019 में उनका जन्म होगा 18 में, 50 साल हो गए कम, 50 साल तक सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनका पाठ नहीं चलेगा। राधा कृष्ण का, राधा कृष्ण जैसे बच्चों का, राधा कृष्ण साथ ही साथ तो जन्म लेंगे, वो राधा का जन्म जो 3 साल और कम हो गया, उनका 53 साल कम हो गया, तो जितने वर्ष कम हो जाते हैं सृष्टि रूपी चक्र में से उतनी कमजोर आत्मा होती है। महाकाली पाठ अनिश्चय में आकर पात्र होता है या निश्चय में पात्र होता है, नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही अपने पार्ट के ऊपर है निश्चयवान है, अपने ऊपर भी उनको निश्चय है, बाप के ऊपर भी निश्चय है, ड्रामा के ऊपर भी निश्चय है, लेकिन उनको जो प्रेरणा देने वाला है वो कौन है, संघार शंकर करता है या शक्तियों के द्वारा कराता है, कराता है शंकर से, शंकर तो कराता है, तो शक्तियों के द्वारा संघार कराता है तो उनकी बुद्धि को घुमाएगा ना, नहीं तो विनाश, हाँ तो नहीं तो विनाश कैसे होगा। देखो भक्ति मार्ग के चित्रों में भी महाकाली जब मार काट मचाती चली जाती है तो शंकर जी कहाँ दिखाई गए, पांव के नीचे दिखाई गए, शांत चुपचाप जो कुछ करो तो करते रहो। लेकिन एक और खास बात, जहां जहां महाकाली का चित्र दिखाया गया है शंकर जी नीचे पड़े हुए हैं, उनकी छाती पर महाकाली पांव रख रही है, महाकाली के मस्तक में शंकर जी का चित्र दिखाया गया, या शिव का या शंकर जी का चित्र दिखाया गया, इसका मतलब उनकी बुद्धि को प्रेरणा करने वाला वो वहां बैठा हुआ है। क्या अभी कुछ है नहीं, सर्विस फील्ड में नहीं रहोगे तो बुद्धि नहीं चलेगी, सर्विस फील्ड में रहेंगे कम से कम घंटे 2 घंटे जरूर ईश्वरी सेवा में कुछ ना कुछ सुनाते रहेंगे लोगों को।
सुनाने से भक्ति ज्यादा चलेगी। बुद्धि जितनी ज्यादा ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में चलती है उतनी ज्यादा खुलती है बुद्धि, नहीं तो डंब बुद्धि बनी रहती है। ईश्वरी सेवा में बुद्धि लगी रहे, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने में लगी रहे, नई दुनिया की मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगी रहे, तो बुद्धि को माया नहीं पकड़ेगी। एक और फायदा है, माया को पकड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को माया नहीं पकड़ती। कुंभकर्ण पकड़ सकता है, लेकिन ईश्वरी सेवा में रहेंगे तो कुंभकर्ण भी उस समय नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ईश्वरी सेवा करने वालों को खुशी बहुत मिलती है। जहाँ खुशी चढ़ी हुई होती है वहाँ नींद नहीं आती, नींद कम हो जाती है। भोकाल मूड गांव तो जो कंपल से भी ज्यादा इंटीरियर है, कंपल से भी ज्यादा बैकवर्ड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ क्या टाउन एरिया है? तालुक ही होगा, तालुका है, तालुक फिर भी यार कर्नाटक में पीछा है। कर्नाटक में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। सही बात है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसको, जो जो जिसको दुनिया पिछाड़ देती है, पीछे कर देती है, उसको सेवा आगे आगे कर देगा। लेकिन जीवन चलने के लिए सोपी यहाँ से आते हैं, जीवन चलने के लिए आंध्र और कर्नाटक वाले यहाँ कर जीवन जीत पाते। इधर इधर वाले सभी ऐसे है बाबा, बाहर से आ रहे ना वो सब अच्छा है। अच्छा, बाहर से आए हुए यहाँ जो बसे हैं, यहाँ आकर के जो बाहर से आकर के बस गए हैं वो फले फूले हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वैसे गरीब है। कंपिल में भी ऐसे ही है, कंपिल के जो पुराने रहने वाले हैं वो तो उनके पास खाने को भी नहीं है, मकान बनाने को भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है तन पे, और जो बाहर से आकर के बस गए हैं वो चेयरमैन बने बैठे हैं। बहुत बड़ा पहाड़ है बाबा, पत्थर का पत्थरों का पहाड़, नाम भी ऐसा पड़ा है बाबा, मोणकाल मूल मना, कन्नड़ कन्नड़ में मोणकाल मना मोणकाल शत्रु तब इस गांव के ऊपर जब ये शत्रु आए ये वार करने के लिए, तब ये गांव वाले ने पाड़े घर मानते हैं यहाँ, सो उस गांव वाले ने रागी जो रागी को छोटा हाँ वो ऊपर से डाल दिया वहाँ पहाड़ से, तो रागी डाल दी, रागी डाल जो चढ़ने वाले थे शत्रु वो सब एक गिर करके ये सब टूट गए। खुद अपनी ऊंची स्टेज में रहेंगे और जो विरोध करने वाले आएंगे घुटने तोड़ देंगे। रागी तो मरीजों को खिलाया जाता है, रागी पहले नहीं खाते थे कोई वहाँ, उसका आटा जो है वो आटे की रोटी बनाई जाती है भिगो के, पहले आटा बनाते हैं, आटा बना के उसको भिगोते हैं, और भिगोने के बाद फिर उसकी रोटी बनाते हैं, गर्म पानी से भिगोया जाता है, अच्छा बनता है, और पाचक भी अच्छा है, पेट को हटिए बहुत दुरुस्त चीज है, बढ़िया है, बीमार लोगों को खिलाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। कीड़ा नहीं पड़ता, कितने साल जैसे सरसों में कीड़ा नहीं पड़ता है।